खेल कूद की प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयासरत है, लेकिन जब खेल के कोच जिन्हें सरकार लाखों रुपए प्रतिमाह तनख्वाह देती है खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, वो अपने काम से मुंह फेर कर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, जिसके चलते खिलाड़ी बिना कोच के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने खेल को निखारने में लगे हुए दरअसल बाराबंकी के डी सिंह बाबू स्टेडियम में तैनात बैडमिंटन कोच कभी कदार ही स्टेडियम पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए छात्र कोच का इंतजार करते हैं, लेकिन कोच का कहीं पता नहीं रहता। इसके चलते मायूस होकर छात्र प्रैक्टिस कर वापस लौट जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के शहर में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेलकूद के लिए विभाग के सभी कोच की तैनाती शासन के द्वारा की गई है, जिन्हें लाखों रुपए प्रतिमाह की सैलरी मिलती है, ताकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए प्रशिक्षण लेने वाले छात्राओं की प्रतिभाओं को और अधिक निखारा जा सके। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बैडमिंटन के कोच कभी स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए नहीं पहुंचते, जबकि लाखों रुपए प्रतिमाह तनख्वाह लगातार ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आए बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने बताया कि जो शासन के द्वारा बैडमिंटन कोच यहां तैनात थे, वह कभी कदार ही आते हैं, लेकिन वह दूसरे कोच के से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अपनी प्रतिभा और खेल को निखारने के प्रयास में लगे रहते हैं। खिलाड़ी घंटों बैडमिंटन मैदान पर पसीना बहाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की अपेक्षा खिलाड़ी अपने कोच से करते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पा रही है। कामाक्षी वर्मा, कब से खेल रहे हैं? 6 महीने हो गए। कोच कोई जो यहाँ से साइन है, आप लोगों को कभी उनसे मुलाकात की जी? 1-2 बार हुई है बस, उसके बाद सिखाया उन्होंने? बहुत कम ही सिखाया, 1-2 दिन ही सिखाया, उसके बाद नहीं आते। बहुत कम। कैसे सीखते हैं फिर आप लोग, किससे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी तो फिलहाल अपने सर, दूसरे सर से ले रहे हैं। कभी शिकायत की इसकी कि यहाँ से जो कोच नहीं मिलता? वो जी नहीं, शौक है बैडमिंटन का, अगर सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो उसका नुकसान होगा जी, होगा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ आती तो यहाँ से फैसिलिटी के नाम पे आपको क्या मिलता है? शटल मिलती है? जी नहीं, शटल नहीं मिलती? नहीं। अच्छा आपने यहाँ कार्ड बनवा रखा है स्टेडियम के लिए? कार्ड जी कितने की बनाई? हाँ, कितने का कार्ड बना आपका? कार्ड के पैसे फिलहाल 200 थे। 200 दिए कार्ड है बना हुआ? हाँ। मगर शटल नहीं मिलती यहाँ? नहीं। सफाई वगैरह? सफाई वगैरह भी ज़्यादा सही से मतलब काम नहीं करवाया जाता। तो कैसे सफाई होती है? हम लोग खुद ही से कभी कभार करते हैं, बाकी आप लोग करते हैं? हाँ। यश पांडे। क्या खेलते हैं आप? बैडमिंटन खेलते हैं। खेल रहे हैं? 1 साल से। कोच कौन है ऑफिशियल? सर उनका तो नहीं पता, हमें बच्चा सर ही सिखाते हैं। कैसे खेल रहे हैं आगे, कैसे खेल कर रहे हैं जब आपको कोच के बारे में नहीं पता है? सर वो आते ही नहीं है। तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है आपको? सर बच्चा सर। कोच के बारे में पता है कौन है कोच? नो सर। साल भर में मुलाकात हुई कभी? सर 1-2 बार देखा है बस। सिखाया कुछ नहीं? नो सर। कभी शिकायत की किसी? नो सर। नो सर। जो फैसिलिटी जो यहाँ से मिलती है आपको? नो सर। कैसे इंतजाम करते हैं बैडमिंटन का, शटल का? सर हम लोग आपस में अरेंज करते हैं शटल का। नो सर। फीस जमा होती है? नो सर, फीस नहीं, हम लोग आपस में शटल वटल आ रहे हैं। स्टेडियम फीस लेता है आप लोग? नो सर। नो सर। फीस भी जमा करते हैं? सर एक कार्ड बनता है साल का, देते होंगे ना चार्ज? यस सर, 160 का। हां तो वही तो हो गया। नो सर, पर ईयर का कार्ड बनता है। पर ईयर का? यस सर। वही तो हो गया चार्ज, तो हो गया ना गवर्नमेंट चार्ज। नाम क्या आपका? यश पांडे।